गुड मॉर्निंग ऑल एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल जल्दी से चेक कीजिएगा इज इट क्लियर ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा कैसे हो आप सब लोग चलिए ऑलमोस्ट एक वीक के बाद मिल रहा है सो जल्दी से आप रिप्लाई कीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था मटेरियल कैसे सब लोग हाय एवरीवन हर्षा प्रगति युक्ता जी कनिका जी मुक्ता जी बिंदु जी हिमांशु यस गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑल क्लियर है तोड़ मालिक ओके okay. सावन तोड़ मालिक सही है कैसे चल रहा है सो फ्रेंड्स यस ऑल गुड जल्दी से कनेक्ट कीजिएगा आई होप सब लोगों ने रिवीजन किया रहेगा अब तक जितना हम लोगों ने कंसेप्ट कंप्लीट किया हुआ है उसका रिवीजन आप लोगों ने किया रहेगा ठीक है ऑल गुड

तो उसका रिविजन करते हैं ठीक है नोट्स uh, सब लोगों ने डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मटेरियल चैप्टर का नोट्स आपका अपलोड हो चुका है सो प्लीज रेफर दैट नोट्स आई होप आप सब लोगों ने वो डाउनलोड किया रहेगा Okays, तो फ्रेंड्स uh, सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्डरिंग कॉस्ट फ्रेंड्स इफ यू रिमेंबर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा एडवर्टाइजमेंट खर्चा एक्सेट्रा वो सारे की सारा लिस्ट हमने लिखा हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल में कितना लगेगा उसका एक फॉर्मूला था फ्रेंड्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स जी हाँ या, याद आ रहा है आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर और इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स हाउ टू कैलकुलेट दैट नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आपको याद आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स आपका एनुअल रिक्वायरमेंट जी हा रिप्लाई करते रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैसेज करते रहेगा आंसर का सो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज तो अगर आप इ्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको ईओ क्यू का जो आंसर आया था उससे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ठीक है मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स कैरिंग अ कॉस्ट का फॉर्मूला जी हाँ जल्दी से बता दीजिएगा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था तो एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर per सीसीट पर एनम ठीक है Now friends, uh, average इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करना था इसका भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था जी एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है ऑर्डर साइज इसको हम लोगों को दो से डिवाइड करना था ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो कर रहे तो EOQ डिवाइडेड बाय टू परफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था अपना मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज ई क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करे सो दैट हमारा ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज आ जाए ठीक है तो क्वांटिटी का फॉर्मुला क्या था अंडर रूट ऑफ टू इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड जी कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इससे आपका आया था EOQ. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बना था ईओ पे क्या होता है तो EOQ पे अगर आप ईओ पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो जितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट आएगा टोटल राइट फ्रेंड्स बर एट ईओ क्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट जी हाँ हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता है तो कैरिंग कॉस्ट कम होगा ठीक है ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो इनवर्स रिलेशनशिप है राइट सो फ्रेंड्स ईओ क्यू क्या करता है बैलेंस करता है जितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट बनता है अगर आप ईओ क्यू फॉलो करते तो लोएस्ट तो कॉस्ट आता है आपको ईओ क्यू में लेकिन उसको एक्सेप्शन था और एक्सेप्शन था डिस्काउंट पॉलिसी कभी कभी डिस्काउंट अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आपका ओवरऑल कॉस्ट कम आएगा फिर हम लोगों ने एक टेबल प्रिपेयर किया था इफ यू रिमेंबर हमें अगर टोटल कॉस्ट पूछा जाता है कि ईओक्यू में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कितना ठीक है या फिर डिस्काउंट पॉलिसी में ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट कितना तो हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करते सो इफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मैट फॉर्मेट क्या था सपोज सबसे पहले तो एक EOQ का कॉलम लेते थे और डिस्काउंट पॉलिसी का हम लोग कॉलम लेते थे हम लोग स्टार्ट किया था एनुअल रिक्वायरमेंट से ऑर्डर साइज नेक्स्ट था एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज से अगर आप डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपका आता था इफ यू रिमेंबर ठीक है नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आता था तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर अगर आपको याद आ रहा है नेक्स्ट वन इसके बाद हम लोग लेते थे एवरेज इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता था तो ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय इससे आता था आपका एवरेज नेक्स्ट पॉइंट लिखते थे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सीसीपीयूपीए एन सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इसमें एडजस्टमेंट होता था डिस्काउंट में जनरली हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो दिया था वो परसेंटेज ऑफ मटीरियल प्राइस दिया था परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस दिया रहता ऐसा सपोज बोला गया कि uh, चेस प्राइस इज हंड्रेड रुपीज एंड कैरिंग ट्वेंटी परसेंट सपोज तो हंड्रेड रुपीज का ट्वेंटी परसेंट आपका कैरिंग यूनिट पर एनम आता था ट्वेंटी रुपीज सपोज आपको टेन परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है तो आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चेंज होगा अगर डिस्काउंट दिया है तो फ्रेंड्स इंटी रुपीज अब आपका नया परचेज प्राइस रहेगा हंड्रेड रुपीज पहले था टेन परसेंट डिस्काउंट सपोज सो नाइनटी रुपीज आपका नया परचेज प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी परसेंट आपका कैरिंग है तो आई गेस वो एटीन रुपीज आता है ओके okay. इसके बाद आएगा आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मल्टीप्लाई बाई एवरेज इन्वेंट्री इससे आएगा आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड नेक्स्ट था आपका परचेज प्राइस रिमेंबर चेस प्राइस आपको कब कंपेयर करना है कोई मुझे कमेंट में बताएगा जी हाँ परचेज प्राइस हम लोग हर बार है ना प्राइस कंपेयर नहीं करते थे तो आप ही मुझे बताएंगे व्हेन व्हेन टू टू कंपेयर और कंसीडर दिस प्राइस जैसे कि एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट इससे आएगा आपका टोटल एनुअल परचेसेस अब जल्दी से ये भी कमेंट में बता दीजिएगा कि फ्रेंड्स हम लोग परचेस प्राइस कब कंसिडर करते हैं परचेस प्राइस कब कंसिडर नहीं करते जल्दी से वेरी गुड वेरी गुड जी हाँ वेरी गुड विधि जी और मुक्ता जी इनका आंसर एकदम क्विक आया था कि अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो ही परचेज प्राइस कंपेयर करना है हमें ठीक है क्योंकि अगर डिस्काउंट नहीं है तो जितना भी आप लेवल कंसीडर करेंगे जितना भी आप कॉलम कंसीडर करेंगे अगर डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है तो परचेस प्राइस हर एक कॉलम में सेम आएगा तो वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट लेने का जरूरत नहीं है ओके, तो जहां पे आपको डिस्काउंट आएगा जहाँ पे, आपको दिया हुआ है, पे आपको तीन कॉस्ट कंसीडर करना है आएगा, आएगा, और आएगा. जी आ, सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं ओके, जितना आंसर मैं देख पा रहा हूं सारे के सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया right, friends, so, uh, चलते है राइट फ्रेंड चलेगा एटीन क्वेश्चन तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है स्टार्ट करते हैं अब इसके आगे का पार्ट आई होप आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड किया रहेगा चलिए सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 19 आपकी जो अदर uh, डाउट्स है रिगार्डिंग लाइव स्ट्रीमिंग एंड सॉफ्टवेयर रिगार्डेड या फिर परचेस रिगार्डेड दैट डाउट वी आर गोइंग टू कंसीडर इन द लास्ट पार्ट लास्ट के 10 मिनिट्स में डाउट सेशन ही कंसिडर करने वाला फिलहाल जल्दी से Uh, कुछ क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं सो फ्रेंड्स आइएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सॉल्व करते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एटीन तक सॉल्व किया था आइएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सॉल्व करना है हम लोगों को yes, friends, 19. Okay, काफी सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पहले ही वर्कआउट कर लिया था ठीक है कुछ इंटरप्शन आया था लेक्चर में तब मैंने आपको बोला था कि भाई नाइनटीन ट्राई कर लो तो डिस्कशन करना बाकी है सॉल्व करना बाकी कुछ स्टूडेंट नए ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ओके लेट्स रीड दैट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के एल लिमिटेड प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट एम विच हैज क्वार्टरली डिमांड ऑफ एट थाउजेंड चलो अंडरलाइन करना है

फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो रॉ मटेरियल का कितना क्वांटिटी लगता guess, लग है तीन क्वांटिटी लग रहा है प्रोडक्ट रिक्वायर थ्री के जी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स फॉर एवरी फिनिश आउटपुट ओके तो रॉ मटेरियल कितना लग रहा है तीन लग रहा है तो इनपुट अगर तीन के है तो आउटपुट आपका एक के आ सकता है ओके okay? चलिएगा आगे बढ़ते हैं दॉलिंग इन्फॉर्मेशन आर ऑल्सो अवेलेबल कॉस् ऑफ मटीरियल एक्स इज गिवन रूपीज ट्वेंटी पर केजी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर वन थाउजेंड पर ऑर्डर एंड कैरिंगसेंट एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री तो फ्रेंड्स यहां पे कंफ्यूज नहीं होने का <coughs> यहाँ पे हर बार यही वर्ड यूज किया जाता है ऑफ एवरेज ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होने का कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हम लोग तो पर यूनिट लेते हैं तो यहां तो है पूरे साल का अगर हमें कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो एनुअल जो कॉस्ट है वो हम लोग एवरेज इन्वेंट्री से वर्कआउट करते हैं टू कैल्कुलेट इकोमिक्वानिटी फॉर मटीरियल एक्स शुड द कंपनी एक्सेप्ट ऑफर ऑफ टू परसेंट डिस्काउंट बाय्लायर इफ यू टू सप्लाई मटीरियल एक्स इन फोर इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट तो आपके जो पूरे साल की रिक्वायरमेंट है वो आप चार हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा चार बार मार्केट में जाएंगे आप ऑर्डर परचेस करके लेके आएंगे तो so, uh, आपको यह डिस्काउंट पॉलिसी एक्सेप्ट करना या नहीं करना ठीक है फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने ये सॉल्व किया रहेगा तो सबसे पहले तो आपका मार्क्स कट होएगा अगर आपने एजम्पन नहीं लिखा है एजम्सन कौन सा कैरिंग कॉस्ट वाला एजम्शन आपने लिखना कंपलसरी है कैरिंग कॉस्ट विल चेंज कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट जनरली क्वेश्चन में एजमशन दिया जाता है हम लोगों ने कुछ एक या दो क्वेश्चन सोल्व किया था जहां पे एजम्पन दिया था कि भाई कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर डिस्काउंट पॉलिसी और कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज एज पर द डिस्काउंट पॉलिसी ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो फ्रेंड्स मार्क्स कट होएगा अगर आपने एजम्शन नहीं लिखा है तो आई होप आप लोगों ने एजम्शन लिखा रहेगा चलेगा सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं या फिर आपने अगर सोल्व किया रहेगा तो डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यू क्यू फाइंड करना है लेकिन एडजस्टमेंट EO की फाइंड करने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा कैरिंग कॉस्ट लगेगा एंड एनुअल रिक्वायरमेंट इज मस्ट यहां पे जो रिक्वायरमेंट दिया है वो फाइनल प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट दिया है फाइनल प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमें फाइंड करनी यस बॉस yes, तो चलिएगा वर्किंग नोट नंबर वन देता है एनुअल रिक्वायरमेंट जैसे आपको रॉ मटेरियल का फाइंड करना है फाइनल प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया है क्वार्टरली डिमांड फाइनल प्रोडक्ट का एट थाउजेंड है ओके सो एट थाउजेंड फाइनल प्रोडक्ट का डिमांड है मल्टीप्लाइड बाय फोर एट थाउजेंड इंटू फोर चार ये यह जो है मालिक ये फाइनल प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है बिकॉज हम लोग तो मटेरियल का ईओ क्यू फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए तीन के जी ऑफ रॉ मटेरियल लगता है तो जल्दी से आप आंसर देंगे आपके जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो कितना है फ्रेंड्स आई गेस एट थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो आ रहा है नाइनटी सिक्स थाउजेंड एनी वन इज इट करेक्ट नाइनटी सिक्स थाउजेंड क्या नाइनटी सिक्स थाउजेंड का आंसर करेक्ट है जी हाँ नाइन्टी सिक्स थाउजेंड इज करेक्टर नाव यू कैन इजीली फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ टू इन टू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग अ कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जी हाँ नाइन्टी मुझे आंसर मिल गया थैंक यू वेरी मच ऑगेस सो ऑफ बाय एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है तो 96,000 सिक्स थाउजेंड इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई पर ऑर्डर इज ऑर्डरिंग एनम कैरिंग यूनिट पर एनम कितना दिया फिफ्टीन परसेंट दिया हुआ है ऑब्वियसली ये फिफ्टीन परसेंट किस पे अप्लाई होता है परचेज प्राइस पे अप्लाई होता है और परचेस प्राइस कितना दिया ट्वेंटी रुपीज पर केजी इज योर परचेज प्राइस ओके सो करोड़ का अंडर रूट हमें लेना है और आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है एट थाउजेंड काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था कि एट थाउजेंड इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यस गाइज सो आई होप ये आंसर आप लोगों का आ गया था ईओ क्यू अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया यस एट थाउजेंड करेक्ट है जी हाँ कैरिंग कॉस्ट थ्री रुपीज आ रहा है वेरी गुड इसका भी आंसर आपका करेक्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो आप आंसर दे रहे हैं वो आंसर आ रहा है एट थाउजेंड जी हाट थाउजेंड इज करेक्ट आंसर चलेगा अगर ये आंसर आपका आ चुका है गाइज तो लेट्स वर्कआउट दैट टू परसेंट डिस्काउंट और टेबल का फॉर्मेट आपको पता है कैसे वर्किंग करना है चलिए एक कॉलम हम लोग कंसिडर करेंगे ईओ क्यू और दूसरा कॉलम कंसिडर करेंगे टू परसेंट डिस्काउंट राइट ना टू परसेंट डिस्काउंट ही है जी हाँ टू परसेंट डिस्काउंट ऑन परचेसेस दिया हुआ है टू टू कंसीडर दिस कॉलम्स, फ्रेंड्स, जल्दी से वो टेबल हम लोगों को जो पता है वो हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड द टोटल कॉस्ट विल शो द वर्किंग एज वेल चलिए चलिए ओके फ्रेंड्स साथ में आप सॉल्व करते रहिएगा अगर आपने सॉल्व किया तो चेक कीजिएगा मेरा आंसर बराबर है या गलत है ओके okay फ्रेंड्स सबसे पहला हम लोग लाइन लिखते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट ठीक है थोड़ा हवा करते हैं ना सर वर्किंग नोट नंबर वन ठीक है सामने वाले को पेपर चेक करते वक्त थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन देना है हमें ठीक है ये सपोज वर्किंग नोट नंबर वन हमने दिया था एनुअल रिक्वायरमेंट का वहां पे लिख दिया वर्किंग नोट नंबर वन सो फ्रेंड्स ईओ क्यू में या फिर डिस्काउंट पॉलिसी में एनुअल रिक्वायरमेंट तो सेम रहेगा नाइनटी सिक्स थाउजेंड इसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट कर रहे हैं ऑर्डर साइज जी हाँ सर जी ऑर्डर साइज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो ऑर्डर साइज था वो एट थाउजेंड था लेकिन अगर आपको टू परसेंट डिस्काउंट है तो आपको क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करना है तो चार ऑर्डर्स आपको प्लेस करने पड़ेंगे तो नाइनटी सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाई चार्स थाउजेंड का एक ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा आई होप आपको ये समझ में आ रहा है नेक्स्ट इससे आएगा आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स जी हां सर जी इससे आपको आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स ओके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है डिडेड बाई एट थाउजेंड सो ट्वेल्व ऑर्डर और ऑब्वियसली यहां पे चार क्वार्टरली ऑर्डर आपको प्लेस करना है राइट फ्रेंड्स सही है नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया तो इसके बाद हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट आई गेस एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा था वो वन थाउजेंड रुपीज था तो ट्वेल्व ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज आएगा और चार ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा है वो फोर थाउजेंड रुपीज आएगा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं बॉस एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो ऑर्डर साइज डिवाइडेड आपका जो ऑर्डर साइज था वो 8000 था 8000 थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 4000 नेक्स्ट 24000 डिवाइडेड बाय टू आपका जो आंसर बन रहा है वो 12000 आ रहा है नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था आपका कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम राइट फ्रेंड्स सो so, आपका जो परचेस प्राइस था वो ट्वेंटी रुपीज था मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी परसेंट लेकिन अगर आप दो परसेंट का डिस्काउंट लेने में कामयाब हो जाते हो तो ट्वेंटी रुपीज माइनस टू परसेंट ऑफ ट्वेंटी नया परचेस प्राइस आएगा मल्टीप्लाइड चलो जल्दी से मुझे आप आंसर दे दीजिएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आएगा पहले कॉलम का तो हमें पता था थ्री रुपीज सेकेंड कॉलम में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा टू कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ओके मैं चेक कर लेता हूं टू पॉइंट नाइन फोर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट सो ट्वेंटी में टू परसेंट डिस्काउंट मिला नाइनटीन पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन परसेंट टू पॉइंट नाइनटी फोर इज करेक्ट आंसर जी हाँ मुक्ता जी प्रगति जी शुभम जी अंशिका जी बिंदु जी ये सारे की सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया 2.94 टू पॉइंट नाइन फोर इज राइट आंसर चलेगा टोटल कैरिंग कॉस्ट जी हाँ टोटल कैरिंग इंटू थ्री आपको जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ट्वेल्व थाउजेंड था मल्टीप्लाइड बाय टू पॉइंट जो आंसर बराबर दिया है थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी एंड जी हाँ यहां पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा परचेज प्राइस क्योंकि डिस्को मिला है डिस्काउंट मिला है तो दोनों कॉलम का परचेज प्राइस अलग रहेगा दैट विल टोटल कॉस्ट ऑफ परचेसेस और रिमेंबर फ्रेंड्स परचेसेस का जो कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो एन्युअल रिक्वायरमेंट से कंसिडर करना है ऑर्डर साइज से नहीं हम लोग पूरे साल का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरे साल में हम लोग 96,000 क्वांटिटी परचेस करेंगे सो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 20 सेकंड सिचुएशन में 96,000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट जाके कितना 19.4 आया था 19.6 आया था ओके okay. सो so, कितना बन रहा है फ्रेंड्स परचेसेस इज इट एटीन लैख एटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एक बार चेक कीजिएगा कुछ स्टूडेंट का आंसर अलग है मेरा आंसर अलग आ रहा है मैं भी चेक कर लेता हूं आप भी चेक कीजिएगा ये आ रहा है आंसर नाइनटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड टू परसेंट लेस है जी 18, 81, प्लीज आप आपका सेकंड आंसर चेक कीजिएगा ना यस इज इट एटीन एटी वन सिक्स हंड्रेड है करेक्ट है जी हाँ टोटल कॉस्ट फ्रेंड्स टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर गोइंग टू कसिडर टोटल कैरिंग कॉस्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर टोटल कॉस्ट ऑफ परचेसेस ओके अब इन सबका एडिशन हम लोगों को लेना है सो आई गड केस में जो आंसर बन रहा है वो नाइनटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी आ रहा है अच्छा मुक्ता जी आपने फाइनल आंसर दिया था ओके ओके फाइनल आंसर करेक्ट है सो नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एट एटी सेकेंड केस में आंसर आ रहा है right points, एक बार चेक कर लीजिएगा एवरी वन ऑफ यू जल्दी से चेक कीजिएगा इज इटीन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड एंड नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी इज इट करेक्ट फाइनल आंसर चेक कीजिएगा जल्दी से यस नाइनटीन लाइक फोर्टी फोर थाउजेंड प्रगति जी इन्होंने आंसर दिया है आई होप ये आंसर करेक्ट है सब लोगों का राइट right, फ्रेंड्स तो जल्दी से कमेंट में ये भी लिखिएगा वेदर कंपनी शुड फॉलो ईओ क्यू और टू परसेंट डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड जल्दी 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 फटाफट सर आज काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सोल्व करने वाले हैं जी हाँ फ्रेंड्स जल्दी से आंसर दीजिएगा वेदर ईओ क्यू शुड बी फॉलोड और टू परसेंट डिस्काउंट पॉलिसी शुड फॉलोड डिस्काउंट पॉलिसी शुड भी फॉलोड क्योंकि आपके कॉस्ट में सेविंग हो रहा है तो जल्दी से कमेंट लिखिएगा देन विल हैव टू राइट वन वर्किंग नोट ओवर देर या फिर वो जो नोट लिखना पड़ेगा एज्यूमड दैट कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर द डिस्काउंट पॉलिसी राइट फ्रेंड्स चलेगा करेक्ट आंसर है आपका टू परसेंट डिस्काउंट शुड भी जल्दी से लिखिएगा कंपनी शुड एक्सेप्ट टू परसेंट डिस्काउंट पॉलिसी कमेंट आप लिख रहे हो कंपनी शुड एक्सेप्ट टू परसेंट डिस्काउंट पॉलिसी बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट कंपनी शुड एक्सेप्ट डिस्काउंट पॉलिसी बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट जी हाँ कंपनी शुड एक्सेप्ट टू परसेंट डिस्काउंट पॉलिसी बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट जी आई होप आप सब लोगों ने लिख लिया चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा बिना भूले ये नोट आपको लिखना है एंड नोट रहेगा आपका carrying cost ka write on. Assumed that assumed that carrying cost will change. Yeah, Assume that carrying cost will change as per the discount policy. Carrying cost will change as per discount policy. चलेगा तोड़ मालिका आई होप सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया रहेगा हाँ गेस। चलिए शुड वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोगों का होप है जल्दी से कमेंट कीजिएगा डन करके जी हां क्या सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आई डोंट थिंक सो कोई डाउट रहेगा काफी सिंपल क्वेश्चन था ये चलिए डन सर ओके हाँ कमेंट आ गया है डन वेरी गुड फ्रेंड्स आइएगा अगला क्वेश्चन वर्कआउट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जी हा डन काफी सारे स्टूडेंट का हो गया है वेरी गुड चलेगा अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो पूरा मैंने सॉल्व किया है अब आगे के क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे उसके बाद मैं आंसर डिस्कस करूंगा राइट right, फ्रेंड्स तो जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कंपनी मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्ड अ स्पेशल प्रोडक्ट अरे विच रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोडक्ट डबल हो गया ओके okay. स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर component अल्फा ठीक है काफी सारे विच हो गए ये क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स अल्फा uh, क्या है मुझे आप आंसर दीजिएगा अल्फा क्या है अल्फा रॉ मटेरियल है या अल्फा फाइनल प्रोडक्ट है ठीक है एक बार पढ़िएगा ना फ्रेंड्स मुझे वो बेसिक क्लियर चाहिए आपसे तो ये जो अल्फा बात कर रहे हैं अल्फा

अमाउंट अच्छा एनुअल डिमांड अल्फा दिया है ना कोई फिर आपको रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट दे दिया है यूनिट दिया है पर एनम विच इज ट्वेंटी परसेंट द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वान्टिटी डिस्काउंट ऑफ फोर परसेंट ऑन परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड ऑर्डर साइज इज फोर थाउजेंड कंपोन टाइम जी यार डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा डिस्काउंट चार परसेंट का मिलेगा लेकिन ऑर्डर साइज जो है वो आपको फोर थाउजेंड करना इसका मतलब पूरे साल में आठ हजार परचेज करना है डिस्काउंट मिलेगा चार परसेंट का अगर ऑर्डर साइज आपका चार हजार रहेगा तो इसका मतलब आप दो ऑर्डर प्लेस करेंगे राइट कैलकुलेट ईओ क्यू एडवाइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड फ्रेंड्स अब आपको ये रफ में सॉल्व नहीं करना है ये आप फेयर में सॉल्व करेंगे और जल्दी से मुझे आंसर देंगे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट दूंगा फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है रफ नोटबुक में नहीं आई विल नॉट वेट क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नया एडजस्टमेंट नहीं है आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है इो क्यू आ गया टू हंड्रेड मुझे फाइनल आंसर चाहिए शुभम मुंद्रा जी विधि जी बलराम जी ओके okay, मुझे फाइनल आंसर आप दीजिएगा कि ईओक्यू इतना है और वेदर टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट पॉलिसी और नॉट विथ कमेंट चलेगा और एजम्सन तो है ही सर यहां पे एजम्शन आपको लेना ही पड़ेगा तो जल्दी से अच्छे से पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा योर ओके okay, आंसर uh, आना स्टार्ट हो गया वेरी गुड ऑलमोस्ट दो या तीन मिनट में सॉल्व कर लिया आप लोगों ने बाकी लोग जल्दी से ट्राई कीजिएगा और सरप्राइज फ्रेंड्स अभी का जो अटेम्प्ट था यही रिलेटेड क्वेश्चन था आप आराम से दस मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते थे वेरी गुड विधि जी बलराम जी शुभम जी आई गे सब लोगों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है डिस्काउंट पॉलिसी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड ऐसे भी कुछ लोग आंसर दे रहे डिस्काउंट में कुछ कॉस्ट आपको ज्यादा आ रहा है टेन थाउजेंड रुपीज से ज्यादा है शायद कुछ स्टूडेंट यह भी आंसर दे रहे कि सर डिस्काउंट पॉलिसी अगर फॉलो किया तो टेन थाउजेंड रुपीज ज्यादा आपको लग रहा है आगे चलिए सब लोग ट्राई कीजिएगा फटाफट चलो जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा सिर्फ पाँच लोगों का आंसर आया बाकी लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा दीजिएगा तब तो तक मैं यूक्यू का आपका आंसर चेक कर लेता हूँ जी हाँ हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो टू हंड्रेड आ रहा है ठीक है बलराम जी विधि जी शुभम जी अंशिका जी ज्ञानेश्वर बलराम शुभम हर्षा जी ओके चलिए यू क्यों अगर आपका आगे तो आगे का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं डिस्काउंट पॉलिसी लेना है या डिस्काउंट पॉलिसी नहीं लेना है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी आंसर लिखिएगा बाकी लोग जिन लोगों का आंसर आ गया पांच मिनट खत्म हो चुके हैं आपको पांच मिनट दिया था ऑलमोस्ट फाइव मिनट आपने सॉल्व कर लेना चाहिए था इतने टाइम के अंदर बाकी लोग आंसर लिखते रहेगा जी हाँ जैसे जैसे आंसर आ रहा है आंसर लिखते रहेगा अगेस ये क्वेश्चन का जो एनुअल रिक्वायरमेंट था वो एट था एट था इसके बाद था जो आपका ऑर्डर साइज था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में 200 आया था और डिस्काउंट पॉलिसी में फोर था आपका कितने so, 8, 200. आपके जो बन रहे, वो बन रहे फोर्टी नेक्स्ट में दो ऑर्डर एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा था वो टू हंड्रेड रुपीज था मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज आपका एंसर आएगा नेक्स्ट सिचुएशन में फ्रेंड्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टू चार सौ रुपए आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा करेक्ट है ओके okay. इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री कंसीडर करते हैं फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है टू थाउजेंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आनाम जी हाँ परचेज प्राइस पर डिपेंडेंट है लेट्स चेक द परचेज प्राइस परचेज प्राइस इज टू फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी परसेंट ठीक है

परफेक्ट है थैंक यू प्रगति जी आपने आंसर दे दिया थैंक यू वेरी मच कैरिंग कॉस्ट पर पर यूनिट एनम ये जो 76.8 है वो कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बोला था अगर डिस्काउंट दिया है तो सिंपली आपको करना क्या है देखो रेड पेन से लिख रहा हूं 80 के बाजू में फ्रेंड्स अगर आपने 80 में से डायरेक्टली चार टक्का भी लेस कर दिया ठीक है तो भी आपका ये आंसर आ जाता है सेवनटी ट्राई करो 80 में से चार टक का लेस कर दो जो डिस्काउंट है वो लेस करो देख लीजिएगा आपका आंसर वही आएगा 76.8 सिक्स okay? पॉइंट एट इसके बाद डिस्काउंट है तो यू हैव टू कंसीडर द परचेस प्राइस चलो पहले तो कैरिंग कॉस्ट लिख लेते हैं पहले सिचुएशन में एट थाउजेंड रुपीज का आपको कैरिंग कॉस्ट आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपका सेम आना चाहिए सो तो टू थाउजेंड मल्टीप्लाई आपका जो आंसर आ रहा है वो काफी ह्यूज आ रहा है वन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ह्यूज ऑगेस नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ परचेसेस पूरे साल में 8000 थाउजेंड क्वांटिटी परचेस करना है मल्टीप्लाई बाय परचेस प्राइस इज 400 पूरे साल में 8000 थाउजेंड क्वानिटी परचेस करना है मल्टीप्लाई बाय परचेस प्राइस फ्रेंड्स अब आपका जो नया परचेस प्राइस है वो 400 हंड्रेड माइनस फोर परसेंट का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है सो 400 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय एट अगर लेता हूं तो थर्टी ट्यू लैक्स रुपीज का मेरा परचेस ऐसे माइनस फोर परसेंट अगर लेता हूं तो थर्टी लैक्स सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज का एंड फ्रेंड्स इफ आई कंसिडर द टोटल कॉस्ट

टी टू लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड जी इज इट करेक्ट फ्रेंड्स थर्टी टू लैख ट्वेंटी अब आप जल्दी से बताइएगा डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करना चाहिए या इक्यू फॉलो करना चाहिए ऑलरेडी आप सब लोगों ने आंसर दे दिया था जिन लोगों ने आंसर uh, लिखा हुआ है वहां पे कंपनी शुड फॉलो ईओ क्यू क्योंकि वहां पे हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो लोएस्ट है जी हाँ कंपनी ने क्या फॉलो करना चाहिए तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी फॉलोड बाय द कंपनी बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट हमारा कम आ रहा रहा है है फ्रेंड्स आई होप सब लोगों को ये समझ रहा है। कोई डाउट नहीं है कैरिंग कॉस्ट कुछ भी डाउट नहीं है आई गेस राइट फ्रेंड्स चलिएगा काफी कम लोगों ने आंसर दिया था ऑलमोस्ट एनी सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ही लोगों ने आंसर दिया है तो आगे का जो क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करें प्रॉपरली टाइम लेके सोल्व कीजिएगा और विद इन टाइम सोल्व कीजिएगा मैं जितना टाइम बोल रहा हूँ सोल्व करना ही चाहिए जी हाँ क्यू शुड लेकिन कट करूंगा अगर मैं पेपर चेकर हूं तो अगर आपने कमेंट एंड जो आपका एजम्स है वो नहीं लिखा ठीक है पहले तो कमेंट लिख दीजिएगा जो आपने टाइप किया है वो आपके बुक में भी लिखिएगा इो क्यू शुड बी फॉलोड बिकॉज ऑफ द लोअर टोटल कॉस्ट Company should follow economic order quantity because of the lower total cost. Company should follow economic order quantity because of the lower total cost. And assumption carrying cost will change as per the discount policy. Carrying cost will change as per discount policy. Yeah, carrying cost will change as per discount policy. इज आई गेस कंप्लीटेड सब लोगों का सॉल्व हो गया कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर द डिस्काउंट पॉलिसी जी हां आपको यह नोट लिखना था राइट चलेगा फ्रेंड्स आगे बढ़ता है आई होप सब लोगों ने सॉल्व कर दिया है फ्रेंड्स लिख के रखो अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ यू विल गिव मी रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन लिख के रखो फ्रेंड पहले ही मैं बता देता हूँ काफी सारे स्टूडेंट मोर देन फिफ्टी परसेंट इसका आंसर गलत देने वाले और ये भी बता देता हूं सिली मिस्टेक करने वाले ठीक है ये आप सॉल्व करेंगे देखते कितना लोग सॉल्व कर पाते हैं और चेक करते हैं फिफ्टी परसेंट से ज्यादा स्टूडेंट गलत आंसर देते या करेक्ट आंसर देते ओके okay. जी अभी शुभम जी आपका कमेंट डिलीट करो अभी आंसर नहीं चाहिए ठीक है पूरा फाइनल आंसर बाद में चाहिए जल्दी से कमेंट डिलीट करो आपका जल्दी 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 डिलीट करो बाकी लोगों को समझना नहीं चाहिए ओके अ अ कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट रूपीज सिक्सटी द कंपनी इनकर्स हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी प्लस फ्रेट प्लस फ्रेट थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी पर ऑर्डर अच्छा हैंडलिंग का मतलब क्या है भाई जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो मटेरियल आपको लोड करना पड़ता है मटेरियल आपको अनलोड करना पड़ता है ठीक है तो उसका जो कॉस्ट दिया है थ्री हंड्रेड एंड सिक्स प्लस फ्रेड थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी पर ऑर्डर ठीक है तो ये जो हैंडलिंग का कॉस्ट है ठीक है ये जो फ्रेड का कॉस्ट है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में कंसिडर किया जाएगा इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटीरियल इज 0.50 पर के जी पर मंथ अंडरलाइन 0.50 पर के जी पर मंथ है बॉस जीरो पॉइंट फिफ्टी पर के जी पर मंथ है पर मंथ था ध्यान से यहां पे गलती नहीं चाहिए मुझे इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल इज रुप नाइन पर के जी पर एनम ओके तो ये भी कैरिंग कॉस्ट में आएगा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था इंटरेस्ट कॉस्ट अलग दिया था स्टोरेज कॉस्ट अलग दिया था ऑप्शन डेटोरेशन का कॉस्ट अलग दिया था शायद वन टू थ्री फोर में से कोई तो भी वो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऐसा सॉल्व किया हुआ था एन्य प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज वन लैख फ्रेंड्स एन्युअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट जब प्रोडक्शन की बात आती है जब प्रोडक्ट की बात आती है तो वो है आपका फाइनल प्रोडक्ट ओके फाइनल प्रोडक्ट ओके सो आपको पूरे साल में प्रोड्यूस करना है वन थाउजेंड यूनिट एंड टू पॉइंट फाइव यूनिट आर ऑप्टेन फ्रॉम वन के जी ऑफ रॉ मटीरियल रिक्वायर्ड कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटीरियल एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द ऑर्डर बी प्लस फ्रीक्वेंसी क्या है ठीक है यानी एवरी टेन डेज एवरी ट्वेंटी डेज एक्सेट्रा आपको प्लेस करना है एक्सेट्रा वो हमें फाइंड करना है इसके बाद इफ द कंपनी प्रोपोजेस टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस वॉट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी निगोशिएटेड फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन में पूरे फ्रेंड्स आपके जज्बात चेंज हो गए पूरा सिचुएशन चेंज हो गया ठीक है सब कुछ चेंज हो गया ये ये क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये क्वेश्चन में अगर आप समझ पा रहे हो इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्को कितना दिया था चार परसेंट डिस्को था उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना था तो टू परसेंट का डिस्काउंट दिया था ओके तो डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो डिस्काउंट का परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं सर जी द कंपनी प्रपोजेस टू रेशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस आपको क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करना है ऑब्वियसली आप क्वार्टरली ऑर्डर कब प्लेस करेंगे इंस्टेड ऑफ ईओ क्यू जब आपको क्वार्टरली वो जो अभी कुछ है टोटल कॉस्ट कम लगता है तब ठीक है वॉट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी निगोशिएटेड अब आपको डिस्काउंट कितना चाहिए यह क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपको फाइंड करना है तो फ्रेंड्स खुंखार क्वेश्चन है ठीक है महाभयंकर क्वेश्चन है देखते कितना लोग सॉल्व कर पाते हैं अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो इसके जैसे आगे चार या पांच क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बॉस ठीक है तो यहां पे जी हाँ जी हाँ सो दुर्गा जी यह हमें बताना है परसेंटेज ठीक है ओके परसेंटेज बताना है ओके तो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने आ हाँ ये आप रफ में सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन आप रफ में सॉल्व करेंगे क्योंकि ईओक्यू से आपको गलती होने वाली है तो कुछ वर्किंग नोट्स अच्छे से प्रेजेंट करना आप सबसे पहले तो एनुअल रिक्वायरमेंट फाइंड कीजिएगा एक दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइन कीजिएगा कुछ दो या तीन दिया था वो आपको एडिशन करना है वैसे आपको कैरिंग कॉस्ट

और एक बहुत ही खुंखार क्वेश्चन है फ्रेंड देखते कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे चैंपियन स्टूडेंट रहेगा जो मुझे बताएगा कि भाई परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना रहेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा है पहले हमें डिस्काउंट दिया रहता था परसेंटेज में और फॉलो कौन सा पॉलिसी करना है ये हमें बताया जाता था ये क्वेश्चन में अगर आप सोच पा रहे हो अगर आप देख पा रहे हो तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमें फाइंड करना है डिस्काउंट नहीं दिया है ठीक है चलेगा लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लेट्स चेक दैट आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है और मैं अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं ठीक है फाइव मिनट्स में ये सॉल्व नहीं होगा थोड़ा आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूं आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है जल्दी से आप सॉल्व कीजिएगा ओवर टू यू प्रॉपर लेंसर लिखिएगा ठीक शिव शिव जी जनवरी ट्वेंटी वन के स्टूडेंट के लिए पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ वीडियो बनाइएगा ओके आई विल ट्राई दैट बलराम जी आप जो आंसर दे रहे हैं आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय दैट आंसर वेरी गुड वेरी गुड बलराम जी कंसेप्ट आपने समझ लिया है सुपर तो बलराम जी परसेंटेज में कितना डिस्काउंट आएगा वो भी बताइएगा परसेंटेज में कितना आएगा वो भी आप बताएंगे क्योंकि जनरली परसेंटेज परचेज प्राइस पे रहेगा तो डिस्काउंट वगैरह वो जो है वो परसेंटेज पे आप मुझे आंसर दीजिएगा ठीक है बाकी सब लोग ट्राई कीजिएगा ओके okay, योग फाइव थाउजेंड आ रहा है कुछ लोगों का यू क्यू टू थाउजेंड आ रहा है कुछ लोगों का यो क्यू फाइव थाउजेंड आ रहा है ओके सो so, जैसे मैंने आपको बोला था आप मिस्टेक करने वाले हो तो मिस्टेक कर दिया यू क्यू टू थाउजेंड बता रहे यू क्यू फाइव थाउजेंड बता रहे ठीक है दो आंसर है मैंने बोला था ना आधे स्टूडेंट गलत आंसर देंगे ये सिंपल क्वेश्चन का मैंने बताया था ये बहुत ही खुंखार क्वेश्चन है और आप मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही चल रहे हो आधे स्टूडेंट गलत आंसर देंगे आधे स्टूडेंट करेक्ट आंसर देंगे ओके हर्षा जी 2000 थाउजेंड इज इ्यू फ्रीक्वेंसी इज एटीन पॉइंट ठीक है चेक करते हैं ओके सबसे पहले तो ईओ क्यू फाइंड करने के पहले एनुअल रिक्वायरमेंट फाइंड कर लेते हैं आपको जो फाइनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है वो कितना है एक लाख यूनिट करना है अब आप बताइएगा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है क्योंकि यहां पे कुछ स्टूडेंट ने गलती किया हुआ है एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है बताइएगा चलो चलो जिन लोगों ने पांच हजार आंसर दिया है जिन लोगों ने दो हजार का आंसर दिया है सबसे पहले तो ये तो बताइएगा आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो कितना आ रहा है आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है जल्दी बताइएगा चालीस हजार आ रहा है कुछ लोग बोल रहे दो लाख पचास हजार राइट वेरी गुड यही पॉइंट के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है कुछ लोगों ने टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई किया कुछ लोगों ने टू पॉइंट फाइव से डिवाइड किया कुछ लोगों ने टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई किया कुछ लोगों ने टू पॉइंट फाइव से डिवाइड किया देखो यहाँ पे फिरकी ले रहा है इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के एक खेल खेला आपके साथ और आप वो खेल में फंस गए रुचि जी आप भी फंस गए वो 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 जो इंस्टीट्यूट ने आपके साथ खेल खेला उसमें आप फंस गए दुर्गा जी आप भी फंस गए उसमें अरे ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 2.5 पॉइंट का रॉ मटेरियल लगता है ऐसा वर्डिंग यूज किया है क्या उल्टा वर्डिंग यूज किया बराबर से पढ़िएगा 2.5 पॉइंट फाइव यूनिट आर ऑप्टेन फ्रॉम वन के जी ऑफ रॉ मटेरियल देखो इंस्टीट्यूट ने उल्टा खेल, खेल खेला आपके साथ 2.5 पॉइंट फाइव यूनिट्स ऑप्टेन फ्रॉम वन के जी ऑफ रॉ मटेरियल सर इनपुट आउटपुट रेशियो ही बदल दिया पूरे जज्बात बदल गए सर एक के जी अगर आपका रॉ मटेरियल है तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट टू पॉइंट फाइव यूनिट आ रहा है आई होप आप लोगों को आपका जो मिस्टेक है वो समझ में आ गया है तो फ्रेंड्स अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट वन थाउजेंड मैन्युफेक्चर करना है तो इसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अच्छे से लिखना है ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था और गलती किया और वैसे मैं आपको बता दू काफी कम स्टूडेंट ने गलती किया है काफी कम स्टूडेंट ने गलती किया है बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते थे ऑलमोस्ट यानी एक टू थ्री परसेंट स्टूडेंट ने गलती किया कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ लीजिएगा डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फाइव तो आई गेस आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो आ रहा है फोर्टी थाउजेंड आई होप जो डाउट था जो गलती आपने किया था वो रेक्टिफाई हो चुका है यह था आपका वर्किंग नोट नंबर वन एनुअल रिक्वायरमेंट नेक्स्ट वन वर्किंग नोट नंबर चीव आएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट सो मटेरियल हैंडल करना प्लस ऑर्डर पर करने का फ्रेट का जो चार्जेस है वो 360 सिक्सटी प्लस थ्री नाइनटी प्लस थ्री हंड्रेड सो आपका जो आंसर आ रहा है कि 750 आ रहा है लेट मी चेक 360 सिक्सटी प्लस थ्री आपका जो आंसर आ रहा है 750 हंड्रेड एंड फिफ्टी बाकी नोट नंबर थ्री रिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन एम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन एम जी हाँ कैरिंग uh, कॉस्ट कितना दिया द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज जीरो पॉइंट फिफ्टी पर के जी ओके जीरो पॉइंट फिफ्टी लेकिन कौन फिरकी ले रहा है पॉइंट फिफ्टी पर मंथ था आई गेस तो बारह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट जो था वो नाइन रुपीज दिया था सो so, uh, सिक्स प्लस नाइन आई गई फिफ्टीन रुपीज आ रहा है ओके पंद्रह रुपये बराबर है क्या चेक कीजिएगा फिफ्टीन रुपीज करेक्ट है पंद्रह बराबर है ओके okay. चले इसके बाद हम लोग ईओ e क्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं ईओ e क्यू का जो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ टू इन

इसमें डिफरेंस क्या है पहले वाले क्वेश्चन में और यह क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट में डिफरेंस क्या है कमेंट में आप बता देना तब तक मैं ईओ क्यू फाइन कर लेता हूं आपका जो कैरिंग कॉस्ट दिया है उसमें और पिछले वाले questions में डिफरेंस क्या आपने आइडेंटिफाई किया वो मुझे जानना है आपसे मेरा ईओ क्यू का आंसर आ गया टू थाउजेंड मेरा ईओ क्यू का जो आंसर आ रहा है वो टू थाउजेंड आ रहा है ओके okay, सो so जिन लोगों का ईओ क्यू का आंसर फाइव थाउजेंड है आ, उन लोगों ने जो गलती किया था वो शायद रेक्टिफाई कर लिए, राइट सुपर फ्रेंड्स नहीं अंशिका जी आपका जो पहला आंसर है वो करेक्ट है अच्छा पर मन दिया ओके okay, ये भी आपका पॉइंट अलग है लेकिन जो मेन इंट्रिकेट पॉइंट है यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मुझे जानना है कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया ये कैरिंग कॉस्ट का ये क्वेश्चन और कैरिंग कॉस्ट के पहले क्वेश्चन में फ्रेंड्स पहले वाले क्वेश्चन में जो कैरिंग कॉस्ट आपको दिया जाता था वो डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस दिया जाता था यहां पे कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली रुपीज टर्म्स में दिया है ओके okay. जी ये बारह से मल्टीप्लाई किया आपने ये एकदम बराबर किया है ये पर मंथ ये आपने एकदम बराबर किया है लेकिन फ्रेंड्स इसका मेन इंप्लीकेशन हमें जानना था इसका मेन इंप्लीकेशन जानना था एक मिनट ना फ्रेंड्स एक खूंखार चार्ट बता रहा हूं आपको एवरी वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट कैरिंग कॉस्ट दो तरीके से दिया जाता है एक कैरिंग कॉस्ट दिया गया है परसेंटेज में दूसरा कैरिंग कॉस्ट दिया है रुपीज टर्म्स में जैसे कि ये क्वेश्चन में रुपीज टर्म्स में कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है ठीक है नाइन रुपीज एंड थ्री रुपीज सो ट्वेल्व रुपीज ऐसे कुछ तो भी आपका आंसर आया बराबर है फिफ्टीन so, रूपीज ऐसे कुछ तो भी आपका आंसर था फ्रेंड्स परसेंटेज uh, में है इसमें भी दो पार्ट हो सकता है क्वेश्चन में एजम्पन दिया हुआ है ठीक है एजमशन क्या हो सकता है कैरिंग कॉस्ट विल चेंज विल नॉट चेंज ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली स्पेसिफिकली बोला है कि भाई आप ये एज्यूम करो कि कैरिंग कॉस्ट चेंज आप ये एज्यूम करो कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज ठीक है एजम्शन गिवन नेक्स्ट एजम्सन नॉट गिवन आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया जैसे कि पिछले दो क्वेश्चन में साइलेंट था कि कैरिंग कॉस्ट विल चेंज और विल नॉट चेंज तो आपने यहां पे एजम्पन लेके क्या लिखा यस एज्यूम दैट कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर डिस्काउंट पॉलिसी आपने एजशन दिया है लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर एजम्शन स्पेसिफिकली दिया है तो फॉलो दैट एजम्पन जैसा आपको बोला गया वो एजम्शन आप फॉलो कीजिएगा ओके ये एक पार्ट है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको कैरिंग कॉस्ट रुपीस टर्म्स में दिया है तो ध्यान से सुनिएगा डिस्काउंट की वजह से कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्काउंट की वजह से कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगा अरे क्यों नहीं होएगा क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में नहीं दिया हुआ है अरे फ्रेंड्स समझ में आ रहा है आपको चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चार्ट मैंने आपको बता दिया अगर कैरिंग कॉस्ट आपको रूपीज टर्म्स में दिया है कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस में नहीं दिया है तो फ्रेंड कितना ही डिस्काउंट ले लो कैरिंग कॉस्ट अगर रूपीज टर्म्स में दिया है तो वो चेंज नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई होप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है ओके okay, तो क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट दिया है परसेंटेज में ओके okay, फिर पहला उसमें क्वेश्चन में एजम्स दिया रहता है कि कैरिंग कॉस्ट विल चेंज विल नॉट चेंज तो जैसे क्वेश्चन का एजम्शन है वैसे आपको आंसर लिखना है नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में एजम्शन दिया ही नहीं है और परसेंटेज की अगर बात चल रही तो हम लोग क्या जनरली फॉलो करते कि कैरिंग कॉस्ट विल चेंज एज पर द डिस्काउंट पॉलिसी लेकिन अगर आपको कैरिंग कॉस्ट रुपीज टर्म्स में दिया है तो कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज यहां पर एजम्स लेने का जरूरत नहीं डायरेक्टली रुपीज टर्म्स का है, वो सेम रहता है वेरी गुड रुचि जी इन्होंने भी बराबर आंसर दिया है कि कैरिंग कॉस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन परचेज प्राइस वेरी नाइस चलेगा अब मुझे कुछ स्टूडेंट एंसर दे रहे हैं। मुझे कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। वो uh, दो परसेंट का डिस्काउंट और फ्रेंड चैम स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने ये आंसर है जिनका भी आंसर टू परसेंट आया है वो सारे के सारे बहुत ही खुंखार चैम स्टूडेंट है ठीक है दो परसेंट का डिस्काउंट आया क्लैरिटी आ गया पूरा हंड्रेड परसेंट क्लिस्टर क्लियर है देखते हैं ना फ्रेंड्स कैसे वर्कआउट करना है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन देखते हैं ठीक है ठीके? सबसे पहले तो आएगा इू और डिस्काउंट पॉलिसी सबसे पहले आएगा यूक्यू और नेक्स्ट आएगा डिस्काउंट पॉलिसी तोड़ मालिक बाकी पूरा सेम है लिखना मत अभी दो या तीन मिनट पूरा कंसंट्रेशन कीजिएगा कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर दीजिएगा ठीक है तो आप आराम से आगे के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बॉस तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये कंसेप्ट आप देखिएगा ओगे है नहीं मोबाइल वगैरह सब कुछ बंद अच्छा मोबाइल पे लेक्चर चला रहेगा तो बंद मत करना बॉस यहां पे ध्यान दीजिएगा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था तो फोर्टी थाउजेंड एंड फोर्टी थाउजेंड इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट ठीक है ऑर्डर साइज यो क्यू का जो आपका आंसर आया था वो आया था टू थाउजेंड आई गेस EOQ का 2000 है और क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा डिस्काउंट में क्या बोल रहे लोग इफ कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ठीक है क्वार्टरली है यानी चार ऑर्डर आपको प्लेस करने हैं तो आई गेस टेन का आपको ऑर्डर साइज रहेगा oh yes. इससे आपको बन जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग 20 ऑर्डर्स पहले केस में आएगा और चार ऑर्डर सेकंड केस में आएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा क्वेश्चन में दिया था वो 750 हंड्रेड एंड फिफ्टी आई गेसन हंड्रेड एंड फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी आपको प्लेस करने हैं फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय फोर ऑर्डर सो थ्री थाउजेंड विल बी योर ऑर्डरिंग कॉस्ट नेक्स्ट वन एवरेज इन्वेंट्री नेक्स्ट वन एवरेज इन्वेंट्री जी हाँ चेक कर लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री

जो आ रहा है पहले सिचुएशन में फिफ्टीन थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड सेवेंटी थाउजेंड अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है लिखना मत ना फ्रेंड्स आप बाद में कभी भी लिख सकते हो ओपन लेक्चर है कभी भी देख लो फ्रेंड्स आप तो मैं तो रुकता ही हुआ आपके लिए अच्छे से लेकिन प्लीज आप ध्यान दीजिएगा मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है आपसे टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इन द फर्स्ट सिचुएशन इट कम्स टू थर्टी थाउजेंड एंड इन द सेकेंड सिचुएशन इट कम्स टू सेवेंटी एट थाउजेंड ऑगे इन द फर्स्ट सिचुएशन इट कम्स थर्टी थाउजेंड इन द सेकेंड सिचुएशन इट कम्स टू सेवेंटी एट थाउजेंड बरोबर है तो जल्दी से आप मुझे बताइएगा इतना ही डेटा आपके पास है ध्यान से लिखना मत ध्यान से मेरे क्वेश्चन का आंसर देते रहेगा बस इतना ही डेटा है आपके पास डिस्काउंट वगैरह भूल जाइएगा अगर मैंने आपको बोला ईओ क्यू फॉलो करना यह है और क्वार्टरली uh, परचेस करना यह है ठीक है आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे अरे सर क्या चिंदी क्वेश्चन पूछा आपने कुछ भी क्वेश्चन मत पूछिए इतना सिंपल क्वेश्चन कभी रहता है क्या तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल कोई सोचने वाली बात ही नहीं है अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो वी शुड फॉलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वहां पे हमारा कॉस्ट कम आ रहा है तो कितने कॉस्ट कम, बर कि, कम है फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज का कॉस्ट कम ईओक्यू में ओके तो फिर मैंने आपको बोला अरे नहीं नहीं, नहीं काम करना तू ये पॉलिसी फॉलो करना क्वार्टरली लेना मेरे से परचे तो आप बोलेंगे अरे पागल हो गया क्या दर्शन तू दर्शन तू पागल हो गए क्या ये क्या है ये समझता है क्या तुझे यो क्या है दर्शन ये डिस्काउंट पॉलिसी वगैरह क्या है समझता है क्या अगर मैंने यो क्यू फॉलो किया तो आप बोलेंगे कि कॉस्ट कम आ रहा है फोर्टी एट थाउजेंड से फिर भी मैं बोल रहा हूं अरे ले ले यार दस हजार के लॉट में ले ले तो आप बोल रहे हो देख दर्शन मैं टेन थाउजेंड के लॉट में लूंगा तो मेरा कॉस्ट फोर्टी एट थाउजेंड से बढ़ रहा है अगर मैं ये पॉलिसी फॉलो करता हूं दस हजार के लॉट में परचेस करना है क्वार्टरली अगर मुझे परचेस करना है तो मेरा जो कॉस्ट है वो फोर्टी एट थाउजेंड से बढ़ रहा है तो मैं क्यों करूं आपसे परचेस एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों बेहर करूं तो फिर मैं बोलूंगा आपको ओके okay, ऐसा हो रहा है क्या एक काम कर ले बल्क में परचेस कर रहा है तो डिस्काउंट भी ले ले ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे देख मैं अभी पहले दो हजार परचेस कर रहा था अभी दस हजार परचेस करो तो मुझे डिस्काउंट तो दे दे तो आप मिनिमम कितना डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे अगर आपको यह पॉलिसी फॉलो करना है तो अगर क्वार्टरली आपको परचेस करना है तो आप कम से कम कितना डिस्काउंट मेरे से डिमांड करेंगे तो रुपीस टर्म्स में फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज का आप डिस्काउंट डिमांड करेंगे यस और नो यस और नो रुपीस टर्म्स में आप कितना डिस्काउंट करेंगे रुपीस टर्म्स में कितना डिस्काउंट आप मेरे से डिमांड करेंगे ठीक है अगर मैं आपको बोल रहा हूं क्वार्टरली परचेस कर तो आप मुझे पहला क्वेश्चन पूछेंगे भाई तू तो 48,000 या फिर उससे ज्यादा डिस्काउंट देता है तो ही मैं ये पॉलिसी फॉलो कर सकता हूं अदरवाइज में मेरा ओवरऑल कॉस्ट कम आ रहा है बराबर है ओके okay. अब फ्रेंड्स यह फोर्टी एट थाउजेंड का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया है, बराबर है तो डिस्काउंट फोर्टी का मिनिमम चाहिए अब यह डिस्काउंट किस पे मिलता है तो डिस्काउंट मिलता है परचेस प्राइस पे अगर मुझे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट चाहिए लिखना मत क्योंकि मैं अच्छे से प्रेजेंट करके देने वाला हूं परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट चाहिए तो फ्रेंड 48,000 रुपीस का डिस्काउंट डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस एंड क्वेश्चन में चेक कर लेते परचेज प्राइस कितना है 60 रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 40,000 तो फ्रेंड 48,000 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट ऑब्वियसली परचेज प्राइस पे रहता है फोर लैक्स आई सो फ्रेंड्स मालिक फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर लैक्स आपको जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है जीरो पॉइंट जीरो मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड अगर लेता हूं तो दो टके का डिस्काउंट चाहिए दो टके का ओए 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 अरे जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट नहीं 0.02 परसेंट नहीं 0.02 परसेंट यानी 0.0002 पॉइंट जीरो आए क्या आपका नहीं 0.02 जीरो आया है हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में दो टके का डिस्काउंट चाहिए क्या रहे मालिक क्या ये कंसेप्ट झेपा आपको अरे हाँ या ना जल्दी बताइएगा रियल इंटरेस्टेड टू नो ये कंसेप्ट जो मैंने सिखाया आपको कि 48,000 का मिनिमम डिस्काउंट चाहिए क्या तोड़ क्लियर है दिमाग में फिट हो गया है क्या क्या ये कंसेप्ट तोड़ क्लियर है दिमाग में फिट हो गया है क्या So, है ना अच्छा था था फ्रेंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये कि भाई मैं क्वार्टरली मुझे डिस्काउंट है, है का फोर्टी एट थाउजेंड कम डिस्काउंट कम चाहिए तो वो डिस्काउंट किस पे आता है परचेस प्राइस पे आता है इफ यू वांट टू फाइंड द परसेंटेज डिवाइडेड बाय परचे प्राइस टोटल आपका परसेंटेज दो का मिनिमम डिस्काउंट सुपअप कंसेप्ट था ओके okay? अरे ये तो अभी शुरुआत है भाई आगे के कंसेप्ट तो बहुत मजा आएगा ये तो जस्ट स्टार्टिंग है ठीक है आगे आगे इतने जबरदस्त टॉपिक है ठीक है कि बहुत इंटरेस्टिंग है रियली इंटरेस्टिंग है ऐसा नहीं कि मैं कॉस्टिंग सिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स रियली सुपर अभी ये मैक्सिमम स्कोर करवा देगा आपको कॉस्टिंग और अपना एम ही वही है वी शुड स्कोर हाइएस्ट मार्क्स इन कॉस्टिंग ठीक है आप देख लेना फ्रेंड मैक्सिमम स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स कॉस्टिंग में ही आएगा हाँ मैं मेरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं मेरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ अगे काफी स्टूडेंट के लिए मेरे नहीं किसी और स्टूडेंट के लिए कॉस्टिंग का सब्जेक्ट ऐसा कि भाई बस पास होना है या पचास मार्क्स लाना है और आप देखेंगे कि कॉस्टिंग हम लोग किस लेवल पे लेके जाएंगे ठीक है तो फ्रेंड्स इसके लिए मुझे आपका यानी आप जितना आ, देंगे उससे ज्यादा मैं आ, देने वाला हूँ सपोज मैं तो टू हंड्रेड परसेंट ही ट्राई करता हूँ लेकिन आपसे भी मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओके okay? बस क्लास में जितना हो रहा है अच्छे से उतना कंप्लीट करो कभी कभी होमवर्क देता हो तो वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है एंड बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ मैक्सिमम फ्रेंड्स सब लोगों ने ये टेस्ट ट्राई करना चाहिए देना ही है आप सब लोगों को ये टेस्ट ठीक है तो सर फ्री में दे रहा हूँ भाई टेस्ट के लिए अलग से चार्जेस लेते मैं तो फ्री में ले रहा हूँ ठीक है आपको इन्फॉर्म करो कि कैसे आपने करना चाहिए टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तो हमें ओवरऑल पढ़ाई करना है ऐसे नहीं कि सर ने क्लास में सिखाया समझ में आ गया हो गया ऐसे नहीं फ्रेंड स्टेप है पहले मैं क्लास में करूंगा ओके वेरी गुड क्लास में होने के बाद आपने होमवर्क करना है ठीक है और अच्छे से क्लियर हो गया ठीक है इसके बाद फ्रेंड जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग आ, मुझे याद दिलाना जैसे एक और टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे आप मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाने का आप याद दिलाना कि सर ये टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिएगा तो इससे क्या होएगा कि रिवाइज uh, करते वक्त कुछ लिमिटेड क्वेश्चन अगर आपके पास नोट मोर देन एटी क्वेश्चन ये टॉपिक का हम लोग सोल्व करने वाले हैं और काफी खुंखार क्वेश्चन भी है तो एग्जाम के पहले ये पूरे 80 के 80 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है इंपॉसिबल है रजनीकांत को भी पॉसिबल नहीं है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना तो करना क्या है फ्रेंड मैंने टाइप हेडिंग दे दिया है देखो मैंने हेडिंग दे दिया है हर एक टाइप के ऊपर हेडिंग दे दिया है कि ईओ क्यू एंड इवेल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट पॉलिसी ये हम लोग पहला टाइप कवर कर रहे ठीक है, है तो पहले टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप नंबर वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स ये टॉपिक में एट अलग अलग टाइप्स है तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग मार्क करके रखेंगे सो दैट एग्जाम के पहले ठीक है ये हमें वीडियो किसी और का देखने का जरूरत नहीं कि इंपॉर्टेंट करे क्या या कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे ठीक है हम लोग ये क्लास में आपका वर्किंग करवा देंगे भाई ये क्वेश्चन आप पहले देख लो खत्म हो गई बात एग्जाम के पहले पैनिक हो जाता है ये करूं वो करूं 600 700 800 क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 500 के ऊपर क्वेश्चन हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जाम के पहले करना क्या है उसमें स्टूडेंट परेशान हो जाता है और इधर उधर ढूंढता है फिर कि सर ये क्वेश्चन कौन से करूं ये करूं पहले ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये ये क्वेश्चन हम लोगों ने वर्किंग करना है दैट सेट फ्रेंड्स तो जब आप रिवाइज करने के लिए बैठेंगे तो जो इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करना है और बाकी तो आपको सॉल्व करने का भारत में वापिस से जरूरत ही नहीं है जो इंपॉर्टेंट है वो वापिस एक बार आपने सोल्व करना है राइट तो इतना सारा बुक्स हम लोग सोल्व करने वाले मैक्सिमम क्लास में सोल्व करते हैं होमवर्क कम से कम देने की कोशिश करता हूं तो वापिस से पूरा नोट सोल्व करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है होमवर्क अच्छे से कीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको रिवीजन करते हुए बार बार सॉल्व करना है जिसमें सारे एडजस्टमेंट मैंने कवर किए आई होप ये पॉइंट क्लियर है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताते जाऊंगा। जी फ्रेंड्स चलिएगा सो ये आपको लिखना है पहले आप ये जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है वहाँ तक तो पहुँचिएगा। इसके बाद जो लिखना कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ पैराग्राफ फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा जी चलेगा जल्दी से पहले इतना कंप्लीट कीजिएगा आई नो काफी सारे स्टूडेंट का हो गया है फिर भी अगर कुछ लोगों ने रफ में सॉल्व किया रहेगा तो जल्दी से ये सॉल्व कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं जल्दी लिखिएगा और अगर हो गया है फोर्टी ये फोर्टी एट थाउजेंड वगैरह भी नहीं लिखना है आपको बस यहां तक कंप्लीट कीजिएगा आगे का पार्ट में डिस्कस करता हूं उसके बाद आपको लिखना है राइट फ्रेंड्स So, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा अगर हो गया तो वहाँ पे कमेंट में लिखिएगा सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड मैक्सिमम स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया है चलिए सब लोग जितना लोग है सामने सब लोग कमेंट कीजिएगा अगर हो गया है तो क्या सुपर आप कंसेप्ट आपने कंप्लीट कर लिया है? तो अब लिखना कैसा है वो हम लोग देख लेते हैं डन ओके काफ़ी सारे स्टूडेंट का हो गया है चैंप लोग जल्दी कीजिएगा डन ओके मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हो गया है ओके चलिएगा सो फ्रेंड्स आगे लिखो अंडर ईओ क्यू अंडर ईओ क्यू टोटल कॉस्ट इज टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इज थर्टी थाउजेंड अंडर यू क्यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरियंग कॉस्ट इज थर्टी थाउजेंड इफ वी परचेज क्वार्टरली इफ वी परचेज क्वार्टरली Ordering cost and carrying cost is 78,000. If we purchase quarterly, ordering cost and carrying cost is 78,000. Ordering cost and carrying cost is 78,000. Extra cost, if we purchase quarterly, is 48,000. Extra cost if we purchase quarterly is 48,000. Is 48,000. Hence, we will purchase quarterly only if we will purchase quarterly only if discount amount is more than 48000 discount amount is 48000 minimum discount amount is 48000 okay सो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अब ये लिख लीजिएगा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ये पार्ट आपको कंप्लीट करना है अभी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट सो प्लीज राइट डाउन ये सिक्सटी रुपीज परचेज प्राइस है नीचे और फोर्टी थाउजेंड आपका एनुअल रिक्वायरमेंट था ट्वेंटी फोर लैक्स का परचेज है फोर्टी एट थाउजेंड का डिस्काउंट चाहिए तो फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर लैक्स इन टू हंड्रेड अगर करते हैं तो वो परसेंटेज टर्म्स में फाइनली आपका आंसर आ जाएगा और आपका जो आंसर बन रहा है वो टू परसेंट का डिस्काउंट चाहिए एक्सक्यूज ओके चलिएगा आई होप ये पॉइंट क्लियर है अच्छे से आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन और वो फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करना है वो बाकी है ना फ्रिक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो आपका जो ईओ क्यू आया था वो ईओ क्यू था टू थाउजेंड राइट आपका जो ईओ क्यू था वो टू थाउजेंड था तो फ्रीक्वेंसी लिख लीजिएगा थ्री सिक्सटी फाइव डेज में हमें ट्वेंटी ऑर्डर्स प्लेस करना था राइट इज इट सो ट्वेंटी ऑर्डर प्लेस करना है ना यो क्यू में एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड तो फ्रीक्वेंसी थ्री सिक्सटी फाइव डेज डिवाइडेड बाई ट्वेंटी तो आपका आएगा एटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव डेज जी हाँ, एटीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव यह आपका आंसर आ गया राइट फ्रेंड्स चलिए, आई होप कंप्लीटेड 18.25 तो कम से कम आपने कितना डिस्काउंट लेना चाहिए 2% परसेंट का मिनिमम डिस्काउंट आपने लेना चाहिए 18.25 डेज है बराबर से लिखना वो। ओके एक डाउट पूछा है सेवेंटी एट थाउजेंड कैसे आया कौन सा सेवेंटी एट थाउजेंड ये क्या है ये सेवेंटी एट थाउजेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट सेवेंटी एट थाउजेंड थाउजेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट था सेवेंटी फाइव थाउजेंड कैरिंग कॉस्ट है सेवेंटी एट थाउजेंड टोल आया तो ये तो हम लोगों ने किया है ना सब लोगों ने किया है थर्टी थाउजेंड एंड सेवेंटी एट थाउजेंड चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा है कनिका जी इन्होंने उसका आंसर दे देता हूं सर बट टू परसेंट तो एग्जैक्ट इक्वेशन वाला अमाउंट है तो डिस्काउंट पे कोई कॉस्ट सेविंग हुआ ही नहीं वेरी गुड अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा ओके okay, अब अगर इसके आगे का स्टेप में देखता हूं इसके आगे का स्टेप क्या रहता है सपोज परचेस प्राइस इसके आगे का स्टेप जो रहता है वो रहता है परचेस प्राइस परचेस प्राइस कितना है तो फ्रेंड्स ट्वेंटी फोर लैक्स का परचेस प्राइस है विदाउट डिस्काउंट और नेक्स्ट सिचुएशन में कितना आएगा ट्वेंटी फोर लैक्स पे दो टक्का लेस करके ट्वेंटी थ्री लैख फिफ्टी टू थाउजेंड आए अब ओवरऑल कॉस्ट में अगर लेता हूं तो ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है मेरा ट्वेंटी फोर लैख थर्टी थाउजेंड यहां पर और यहां पे भी वही आना चाहिए देख लेते हैं लेतेवेंटी फाइव थाउजेंड कर दिया थ्री थाउजेंड कर दिया तो आपका आंसर ट्वेंटी फोर लैख थर्टी थाउजेंड है बराबर ना तो यहां पर ट्वेंटी फोर लाख थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी फोर लैख थर्टी थाउजेंड तो डिस्काउंट आप कब फॉलो करेंगे फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन क्या है वो आप बराबर से समझिएगा आपको क्या बोला आप कितना डिस्काउंट निगोशिएट करेंगे तो आप कम से कम दो परसेंट का डिस्काउंट निगोशिएट करेंगे क्योंकि दो परसेंट से अगर कम डिस्काउंट है तो ईओ क्यू पॉलिसी फॉलो करना चाहिए और दो परसेंट या फिर उससे ज्यादा है तो सर आपने डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो करना चाहिए ठीक है तो निगोशिएशन जब आप करेंगे तब आप यह सोचेंगे ना कि फोर्टी का तो मिनिमम डिस्काउंट मिलना ही चाहिए तो एटलीस्ट डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए टू परसेंट का डिस्काउंट मिलना ही चाहिए और टू परसेंट भी मिल गया बाय चांस exactly परचेस कर ले ले। तो तो करके कोई फर्क नहीं पड़ा हाँ फर्क कब पड़ेगा दो परसेंट से अगर कम डिस्काउंट है तो आपको फर्क पड़ेगा लेकिन टू परसेंट या फिर उससे ज्यादा है तो आप परचेस कर सकते हैं क्वार्टरली आई होप ये आपका जो आंसर है वो क्लियर है जी हाँ सो so दुर्गा जी आपको समझ गया ना सेवेंटी एट थाउजेंड कैसे आया ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट तो काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया चलिए सो आई होप कनिका जी आपका भी डाउट क्लियर हो गया आई गेस कम से कम दो परसेंट तो लाना ही लाना है और दो परसेंट पे इक्वल हो रहा है इक्वल हुआ तो भी हमें लॉस तो कुछ नहीं ना राइट right? चलिए दुर्गा जी इनका आंसर क्लियर है कनिका जी क्या आपका क्वेरी क्लियर है मिनिमम टू परसेंट का डिस्काउंट चाहिए हमें आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आपको होमवर्क करना है जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जो है वो आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन क्या है? देख लो ई क्यू फाइन करना टोटल कॉस्ट एनुअल डिमांड दिया है पर यूनिट का प्राइस दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है स्टोरेज कॉस्ट दिया दो टक्का इंटरेस्ट रेट दिया बारह टक्का ऑप्शन से दिया है छह टक्का तीनों अगर आपको याद आ रहा है ये कैरिंग कॉस्ट में आएगा टोटल तो अगर, okay, अगर आपको नया परचेज प्राइस मिला तो ट्वेंटी रुपीज के जगह पे नया परचेज प्राइस दो और आप ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट फाइंड करके बताइएगा सही है ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज फॉर होमवर्क ट्वेंटी थ्री इज ऑल्सो फॉर होमवर्क क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज ऑल्सो फॉर होमवर्क ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री आपको होमवर्क करना है और फ्रेंड्स uh, ये uh, ये जो एजम्पन है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी ये सबके लिए कॉमन है एक और आपको डिस्काउंट दिया है पांच टक्का तो हर एक के लिए ये सेम एज्शन रहेगा पहले बता देता हूं ये एजम्पन जो है वो हर एक के लिए रहेगा ऊपर uh, है टू परसेंट डिस्काउंट बोल रहे उसका ये इंफॉर्मेशन है तो पांच परसेंट डिस्काउंट के लिए भी change, आपको लिखवा के दिया, तो ये दोनों के लिए कॉमन रहता है ऐसे नहीं कि एक के लिए अलग लेना है दूसरे के लिए अलग एजमशन लेना है नहीं क्वेश्चन में दिया है वो एजमशन हर एक के लिए आपको वर्कआउट करना है चलिए सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आप होमवर्क करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू अब फ्रेंड्स अबाउट द आपकी जो क्वेरी है आपके जो डाउट रिगार्डिंग द लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कब से स्टार्ट हो रहा है इंक्रिप्टेड लेक्चर कब से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स इनक्रिप्शन इंक्रिप्टेड लेक्चर के लिए जो भी कुछ होमवर्क uh, है ये जो बैकग्राउंड वर्किंग करना है वो हम लोगों का चल रहा है मेरा चल रहा है कॉस्टिंग का तो फ्रेंड्स uh, उसमें पूरा सेटअप कर रहा है क्योंकि ब्रॉडबैंड uh, का जो स्पीड है एक्सेट्रा वो बढ़ाना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो ओके okay, और मैंने कमिटमेंट दिया है कि मैं ट्वेंटी सेकेंड से स्टार्ट करो तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया है भले ही मुझे कुछ और फ्री लेक्चर देना पड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay, तो फ्रेंड्स uh, ऑलमोस्ट वो कंप्लीशन स्टेज पे है लाइव स्ट्रीमिंग का जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे जैसे ही टेस्टिंग वगैरह प्रॉपरली हो जाता है ठीक है एक रिविजन लेक्चर हम लोग वो टेस्ट करेंगे और उसके बाद ही हम लोगों को स्टार्ट करना है वो लाइव स्ट्रीमिंग ठीक है तब तक ये फ्री लेक्चर कल का लेक्चर भी फ्री रहेगा यूट्यूब पे ही रहेगा सेम टाइमिंग रहेगा ठीक है वो आपको वर्किंग करना है तो जिन जिन लोगों ने पेन ड्राइव लिया है जिन जिन लोगों ने गूगल ड्राइव का ऑप्शन लिया है वो एडिशनली ये लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन ले सकते हो और ये बिल्कुल बेनिफिशियल है आपके लिए क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या है लाइव स्ट्रीमिंग में कि कंसिस्टेंसी रहेगा प्रॉब्लम क्या हो जाता है पेनड्राइव uh, लेक्चर uh, में वो कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगा तो आप पीछे पड़ जाएंगे तो बेटर क्या रहेगा आपको पता है कि एवरीडे मॉर्निंग में ये स्लॉट में कॉस्टिंग करना है तो करना ही है नेक्स्ट डाउट आप इमीजिएटली पूछ सकते हैं और अगर पेन पेनड्राइव पर कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हाट्सएप पे डाउट पूछते तो मैं इमीजिएटली रिप्लाई करता हूं उसमें भी कोई इश्यू नहीं है ओके okay. तो ये बेनिफिट रहेगा लाइव स्ट्रीमिंग का और वैसे भी अगर आपका कोई भी लेक्चर अगर मिस हो जाता है अगर आपका कोई लेक्चर वैसे भी अगर मिस हो जाता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना बॉस क्योंकि वो गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा या फिर कोई इंटरनेट कनेक्शन का अगर फेल्यूर है या फिर आपका नहीं हुआ वो मॉर्निंग में तो आप दिन में कभी भी वो डाउनलोड करके देख लीजिएगा जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके एक या दो घंटे के अंदर वो गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा तो वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर ठीक है तो वो दिन में आप कभी भी कंप्लीट कर दो अगर आपका वो मॉर्निंग में अगर कुछ इशू रहेगा तो राइट right फ्रेंड्स समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं तो आ, ये एक एड ऑन फैसिलिटी दिया हुआ है कि लाइव भी पहले मैं सिर्फ पी डी और गूगल ड्राइव दे रहा हूं लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर नहीं मजा आता है जब हम लोग लाइव करें आपको आंसर देने में मजा आता है कमेंट लिखने में मजा आता है ठीक है तो हम लोग सर वो लाइव का ही ऑप्शन प्लीज आप ट्राई कीजिएगा तो मैं यस आपके लिए वो लाइव का भी ऑप्शन मैं लेके आया हूं तो और जो डिटेल है इंस्टॉलेशन कैसे करना है ऑलरेडी वी स्मार्ट के ही जो हमारे अदर फैकल्टी मेंबर है उन्होंने बहुत डिटेल वाला वीडियो डाल दिया है दर्शन खरे सर ने वीडियो अच्छे से डाला हुआ है इसके बाद विजय साडा सर ने वो वीडियो डाला कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है मैं भी आपकी हेल्प करूंगा इंस्टॉलेशन करने में कोई टेंशन नहीं है वी स्मार्ट का पूरा सपोर्ट रहेगा इंस्टॉलेशन करने में प्रोसीजर सेम रहेगा जो बाकी लेक्चर्स का अगर आपने लिया हुआ है ठीक है तो मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कीजिएगा ये लाइव स्ट्रीमिंग ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग का जो है ये मॉर्निंग का ही टाइम रहेगा ठीक है क्योंकि लॉ के जो लेक्चर है उसका दस बजे का लाइव स्ट्रीमिंग का सर ने किया है, उसके दस या पंद्रह मिनट पहले मैं मेरा लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा सो so दैट आपको ब्रेक मिल जाएगा ठीक है सो दिस इज अबाउट द लाइव स्ट्रीमिंग सो जब तक uh, वो सॉफ्टवेयर वगैरह ऑलरेडी नहीं हो जाता है, एक या दो दिन तब तक ठीक है कल का लेक्चर तो यूट्यूब फ्री लेक्चर रहेगा ओके यस यू कैन ज्वाइन आफ्टर द रिजल्ट मुक्ता जी यस यू कैन ज्वाइन आफ्टर द रिजल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप श्योर हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा कोई इश्यू नहीं उसमें ठीक है अगर आप श्योर हो रिजल्ट पॉजिटिव आने वाले तो बेटर आप ज्वाइन कर लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में क्या तो भी कोई उतना वो थोड़ा मिस हो जाएगा वो बाद में आपको कवर करना है अगले टॉपिक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा जी हाँ एक लेक्चर कितने आवर का होएगा मिनिमम टू आवर एंड फिफ्टीन मिनट्स का कम से कम रहेगा बीच में एक दस पंद्रह मिनट का ब्रेक टू आवर्स एंड थर्टी मिनट्स का एक लेक्चर मिनिमम रहेगा ही रहेगा ओके लाइव स्ट्रीमिंग ये जब सेटअप ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा टेस्टिंग हो जाएगा उसके बाद ही आपका लाइव स्ट्रीमिंग का लेक्चर रहेगा एक या दो दिन में वो फाइनल हो जाएगा टेस्टिंग करेंगे उसके बाद ही क्योंकि ऐसे नहीं कि स्टार्ट कर दिया और कुछ टेक्निकल गड़बड़ हो गया वो वैसे नहीं करना एक बार कर दिया कर दिया स्टार्ट जी हाँ और कुछ डाउट है अच्छा हर्षा जी अगर कनेक्शन नहीं है तो आप लाइव स्ट्रीमिंग अटेंड नहीं कर सकते अब कैसा है कि आपके जो मोबाइल का स्पीड वो भी बहुत अच्छा रहता है जियो वगैरह जो स्पीड है वो काफी अच्छा रहता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आता है बस वो डेटा कितना कंज्यूम होता है मैं कि एक लेक्चर देखने में मैं आपको वो कंफर्म करके बताता हूं ठीक है तो दैट विल आई विल कंफर्म टेक्निकल टीम से पूछ के स्टूडेंट लोगों ने अगर देख लिया तो कितना डेटा ये हो ऐसा नहीं कि आधे लेक्चर में वो खत्म हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो मैं वो आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि एक लेक्चर ढाई घंटे का अगर देखना है तो कितना कंज्यूम होगा ठीक है न, और जी हां जी गूगल ड्राइव स्टूडेंट रहने दो या फिर पी uh, स्टूडेंट रहने दो वो जो हंड्रेड रुपीज का जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो सिर्फ फ्रेंड्स uh, uh, वो एड ऑन फैसिलिटी दे रहे इसलिए चार्जेस है तो वो आपको पे करना है जी हाँ और कुछ डाउट रहेगा नहीं 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 कनिका जी कोई प्रॉब्लम नहीं इंटरलिंक नहीं है ये मटेरियल टॉपिक आपके रिजल्ट तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लेबर टॉपिक रहेगा तो कनेक्शन uh, नहीं है दस पंद्रह दिन का गैप भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाद में आप वो कवर कर ही सकते हैं ना एक्स्ट्रा टाइम देके इंटरलिंक नहीं है डोंट वरी एट ऑल ओके बिंदु जी आपने अगर पेनड्राइव लिया तो आपको सीरियल की आज जाएगा बिंदु जी सीरियल की आपको इसलिए नहीं आया क्योंकि अब तक इनक्रिप्टेड लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है जैसे ही इनक्रिप्टेड लेक्चर स्टार्ट होने वाला रहेगा आपको सीरियल की आ जाएगा ठीक है अभी तो यूट्यूब पे लेक्चर है इसकी वजह से वो सीरियल की नहीं आया रहेगा टेक्निकल टीम से तो जैसे ही एनक्रिप्टेड लेक्चर आएगा उसके पहले ही आपको वो मिल जाएगा डोंट वरी एट ऑल ठीक है मैं इनको इन्फॉर्म कर दूंगा तो वो आपको सीरियल की दे देंगे ठीक है और अगर कुछ डाउट रहेगा तो मेरा नंबर तो है ही आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग मंडे से मोस्ट प्रॉब्लली स्टार्ट होएगा आई विल ट्राई मैक्सिमम मंडे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ डाउट है सो so, बिंदु जी आई होप आपका क्वेरी क्लियर है अभी तक फ्री लेक्चर इसलिए सीरियल की नहीं आ रहेगा जैसे इंक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा उसके पहले सावन अगर आपका की आ चुका है तो प्लीज यूज मत कीजिएगा सावन जी यूज मत कीजिएगा आप पहले चेक कीजिएगा नवंबर 20 के लेक्चर्स आपके पास आए हैं नवंबर 21 के आपको लेक्चर्स आए हैं ठीक है तो सावन जी मुझे आप थोड़ा व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे कनेक्ट कीजिएगा तो विल डिस्कस अबाउट दिस अगर सीरियल की आपको आ गया है तो जी हाँ मंडे तक यूट्यूब पे क्लास रहेगा जब तक ये इनक्रिप्टेड नहीं स्टार्ट होता है तब तक मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा मैं फ्री लेक्चर डालते रहूंगा अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग का है ओके फिर भी आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे हम लोग डिस्कस करते हैं और किसी का कुछ डाउट है फ्रेंड्स जल्दी से डाउट अगर रहेगा तो पूछिएगा श्रेया जी रिजल्ट के बाद लेक्चर परचेस करते हैं तो कवर नहीं होगा क्या कवर यानी आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट कवर यानी लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन क्या हाँ दुर्गा जी अबाउट अच्छा हुआ आपने ये डाउट पूछा है बुक्स uh, कब मिलेगा ठीक है एक इशू हुआ था बुक्स में इसलिए वो डिस्पैच नहीं हुआ है ठीक है इसलिए मैंने आपको पूरा की पूरा ये टॉपिक का नोट्स डाल दिया है अर्जेंट में हम लोग ट्राई करेंगे फॉर श्योर sure, कुछ भी हो जाए ये वीक के अंदर आपको यानी नेक्स्ट सिक्स टू सेवन डेज डिलीवरी मिल जाएगा ओके आई हेव टेकन ओके मुक्ता जी बोले आई हेव टेकन कॉम्बो एंड रिसीव सीरियल की देन आई हैव टू चेक एज वेल जी हाँ मुक्ता जी आप आ, एक बार चेक कीजिएगा लेक्चर कौन सा है मुझे वो डिटेल भेज दीजिएगा आपके लेक्चर्स का एक्सेटा मैं आपको बता दूंगा रीऑर्डर लेवल कब से स्टार्ट हुएगा? री रीऑर्डर लेवल कब से स्टार्ट हुएगा? री रीऑर्डर लेवल कब से स्टार्ट होएगा है ना अपने पास सारे क्वेश्चन देखिए ये वेरियस स्टॉक लेवल सेकेंड कंसेप्ट है जहां पर रीऑर्डर लेवल का वगैरह कंसेप्ट है तो थर्टी फाइव क्वेश्चन तक आ, ये कंसेप्ट रहेगा उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा और कुछ डाउट है जी हाँ कुछ डाउट रहेगा तो पूछेगा अबाउट द लाइव स्ट्रीमिंग ये वीक के अंदर सेवन डेज आपको मिल जाएगा बुक्स हाँ दुर्गा जी आप भेज दीजिएगा मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ आपका जो सीरियल की है वो लाइव स्ट्रीमिंग का वगैरह है क्या और नए लेक्चर का है क्या मैं वो एक बार चेक कर लेता हूँ कंफर्म कर लेता हूँ अरे लोग बताइए और कुछ डाउट है क्या कल का लेक्चर तो आप ज्वाइन कीजिएगा फ्री लेक्चर है यूट्यूब पे जी सर और कुछ डाउट है तो पूछिएगा अगर नहीं है तो होमवर्क करके आइएगा अगर और कुछ डाउट नहीं है तो कल होमवर्क करके आइएगा इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ खुंखार क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन से और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नहीं प्रगति जी कोई टेंशन नहीं है अगर आपका आपने डीटी का लिया हुआ है तो सेम सेटअप में ये चल जाएगा कॉस्टिंग का चल जाएगा लॉ का चल जाएगा कोई टेंशन नहीं है और सेटअप का आप टेंशन मत लीजिएगा वी स्मार्ट पूरा हेल्प करेगा आपको सेटअप करने में अगर जो भी कुछ आपको दिक्कत है वो हम लोग सॉल्व करेंगे डोंट वरी एट ऑल जी हाँ वेरी गुड विधि जी बराबर है थैंक यू विधि जी सब्जेक्ट uh, ऐड कर सकते हो प्रगति जी आपका आंसर दिया है विधि जी ने थैंक यू आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो ओके परफेक्ट है हर्षा जी जी हाँ नए लेक्चर का ही रहेगा फिर ओके सो फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहिएगा सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर और कुछ डाउट रहेगा तो बोलिए अगर नहीं है तो सी यू टाटा बाय बाय कल का लेक्चर और इंटरेस्टिंग है और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं और डिफिकल्ट नहीं बोलते हैं क्योंकि आप आराम से सॉल्व कर लेंगे जी ठीक है थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स और भी कुछ राउट है तो अभी व्हाट्सएप आप के पास नंबर है ही तो व्हाट्सएप कीजिएगा विल बी देयर टू सॉल्व योर क्वेरी थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर तोड़ मालिक जी हाँ ओके okay, तोड़ मालिक सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर